कर रहा था वो था मेरा मोबाइल का। ठीक है, अब तीन या चार ऑप्शन में ऐसे आपको बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली इसको मोबाइल में सेट, मोबाइल में तो सेट हो ही जाएगा, डेस्कटॉप में भी अपने आप हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ, मैंने शॉर्टकट दबाया, यहाँ पे नीचे गया। अब ये तीन चीज़ें जो है साथ में आ रही है। मोबाइल में क्या होता है, ये वाला पोर्शन फर्स्ट यहाँ पे 100% होगा, इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसका जो क्लास है कॉल फॉर, ठीक है, इस क्लास को मैं अभी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। देखो अपने आप क्या हो गया, नीचे आ गया, दिख रहा है, देखिए तीनों सेट हो गए मेरे मोबाइल में। अब मुझे क्या करना है, तो ये चीज़ सेट करने के लिए मुझे मेरे कोडिंग में क्या सेट करना पड़ेगा, मीडिया क्वेरी, क्या सेट करनी पड़ेगी मुझे, मीडिया क्वेरी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कमेंट में लिख दूँगा यहाँ पे स्टार्ट मीडिया, एंटर, यहाँ पे लिखूँगा एट द रेट, पे लिखूँगा मीडिया, एंटर। अब यहाँ पे स्क्रीन निकाल दूंगा मैं। अब तीन तरह से आप मीडिया क्वेरी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, एक स्क्रीन, तो आप मीडिया, तीन मीडिया क्वेरी जो है वो तीन तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो स्क्रीन पे, स्क्रीन को डिटेक्ट करवाना है, दूसरा ऑल, और तीसरा प्रिंट करवाना। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऑल, यहाँ पे जाऊँगा मैं। अब दो तरह से मीडिया क्वेरी हम ऐड कर सकते हैं, एक तो मिनिमम विथ डाल के और दूसरी मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम में क्या होता है कि आपको मिनिमम कहाँ तक इसको कॉल करवाना है और मैक्सिमम में कहाँ तक मैक्सिमम कॉल करवाना है। मैं अभी यहाँ पे डालूँगा, मैं यहाँ पे भी डालूँगा ऑल ब्रैकेट में मिनिमम विथ 678 पिक्सल्स, सिक्स सेवन एट पिक्सल, यानी कि ये इसकी कंडीशन क्या होगी कि जो जब कभी भी मेरा मीडियम जो है वो इस कंडीशन को डिटेक्ट करेगा तो इसके अंदर जो चीज़ें मैं ऐड करूँगा इस क्वेरी के अंदर वो उसको रन करेगा, उसको प्रिंट करेगा। जैसे अभी यहाँ पे डाला है मैंने मिनिमम विथ 768, तो यहाँ पे जो मैं पैरामीटर डालूँगा वो मिनिमम विथ 768 में ही अप्लाई होंगे, उसके अलावा कहीं पे अप्लाई नहीं होंगे। तो अभी मैंने जब आपको प्रीव्यू दिखाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 768, तो यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह से आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको छोटा करूँ तो ये तीनों क्या हो जाने चाहिए, एक दूसरे के ऐसे नीचे आ जाने चाहिए। वो कौन सा कॉल, अभी क्लास जो कॉल हो रहा है कॉलम फॉर, कॉलम फॉर की क्या रिक्वायरमेंट है, कॉलम फॉर की ये रिक्वायरमेंट है कि जब मैं इसको मिनिमम 678 करूँ तभी ये कॉल होना चाहिए, उससे पहले ये कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 768 से ज़्यादा की साइज़ होगी, मिनिमम 768 से ज़्यादा की साइज़ होगी तभी ये कॉलम फॉर जो है वो क्या होगा, डिटेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी ये डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे मैं 768 से कम में जाऊँ तब ये डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, सबलाइन में जाऊँगा, कॉल फॉर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कट करूँगा, कॉपी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ उसको कहाँ पे कॉल करवाना है, मिनिमम मीडिया क्वेरी जो है 678 उसी में ही इसको कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको कर दूँगा पेस्ट, यहाँ से कर दूंगा सेव, ब्राउज़र में जाऊंगा मैं, रिफ्रेश, देखो पे कंप्लीट रन हो रहा है, मिनिमम 678 में ये रन नहीं हो रहा है। कौन सा क्लास रन नहीं हो रहा है, कॉल डैश फॉर, कॉलम जो फॉर वाला क्लास है वो अभी यहाँ पे हमारा कहाँ तक रन नहीं होगा, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे 549 फिर उसके बाद 67 और 678, यहाँ तक वो क्लास क्या होगा
रन नहीं होगा। फिर जैसे ही मैं 6, 7, 9 पे जाऊंगा तो वो क्लास रन हो जाएगा, यानी उससे जो भी मेरी साइज़ बड़ी होगी टैबलेट की साइज़ में परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन मोबाइल की साइज़ में ये रन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कौन सी कंडीशन अप्लाई की है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया एट मीडिया ऑल एंड मिनिमम विथ 768, मिनिमम विथ 768 में ये क्लास जो है वो रन नहीं होगा। उससे ज़्यादा की कोई भी स्क्रीन है तो उसके अंदर ये क्लास फिर क्या होगा, रन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे सपोज़ कर दिया 500 सेव, और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और अभी मैं इसकी साइज़ कम कर रहा हूँ, तो देखो अभी ये रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब भी नहीं होगा क्योंकि 500 के नीचे आ गए। तो हमारी जो फर्स्ट मीडिया क्वेरी जो होती है वो कहाँ तक होती है, 678 यानी मोबाइल और टैबलेट की साइज़, उसके बाद डेस्कटॉप और लैपटॉप की साइज़ आती है। तो ये जो क्लास है आपका, ये मीडिया क्वेरी वो मोबाइल और टैबलेट के लिए है। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आओगे एक भी मिनिमम विथ 768 में ही ये चीज़ क्या होगी, रन होगी। ठीक है, मिनिमम विथ 7678 तक ही ये मीडिया क्वेरी जो है वो रन नहीं होगी। उसके बाद यानी कि 7679, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा 679, तो तुरंत ही वो क्लास, ये वाला क्लास क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो अभी जो क्लास डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो यहाँ से स्टाइल शीट जो डिटेक्ट हो रही है वो कौन सी हो रही है, ये वाली मिनिमम विथ 678 वाली हो रही है। इसमें ये हमने डाला है वो पैरामीटर अभी क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। यानी मैंने जो पहले वीडियो में कहा था कि हम जो कोडिंग करेंगे वो फर्स्ट कोडिंग होगा हमारा मोबाइल अप्रोच का, और ये हमने फर्स्ट एक ही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है और हमारा आउटपुट आप देख सकते हो, मोबाइल में भी सेट हो रहा है, टैबलेट में भी सेट हो रहा है, डेस्कटॉप में भी चल रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन मैंने चेंज किया है और पूरा का पूरा जो मेरा साइड है मेनू भी कंप्लीट चल रहा है मेरा। हाँ, मेरा जो कंटेनर है वो भी अभी सेट हो गया है। एक ही मीडिया क्वेरी मैंने ऐड की है, ठीक है, तो उसमें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में मेरा सपोर्ट कर रहा है, मोबाइल डेस्कटॉप और टैबलेट तीनों में ये चीज़ सपोर्ट कर रही है। सिर्फ एक छोटा सा मैंने चेंज किया, सिर्फ कॉलम को पूरी सब जगह पे जो इफेक्ट कर रहा था उसकी जगह से मैंने उसको फिक्स कर दिया, उसका मीडिया जो है वो मैंने फिक्स कर दिया कि भाई आपको मिनिमम विथ जो है 768 मिनिमम साइज होगी उसी में ये लोड होगा। तो मेरा जो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का जो पहला लेक्चर था ये उसके रिलेटेड है कि हम जो भी अब कोडिंग हम करते हैं, मैंने पहले जो कोडिंग किया था वो सब मोबाइल के रिलेटेड था, और ये जो मैंने कोडिंग किया है ये डेस्कटॉप के रिलेटेड है। ये वाला जो कोड है वो डेस्कटॉप में ही रन होगा, यानी 768 से ज़्यादा बढ़ेगा तभी ये क्लास जो है वो रन होगा। उसके अलावा जैसे मैं मोबाइल में जाऊंगा, यहाँ पे देखो अभी ये क्लास डिटेक्ट होना बंद हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं आएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक भी मेरा क्लास यहाँ पे नहीं आ रहा है। कौन सा क्लास नहीं आ रहा है, कॉल फॉर, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा है कि ये वाले क्लास आपको सिर्फ 768 से ज़्यादा जब साइज़ होगी, इतने से ज़्यादा साइज बढ़ेगी तभी आपको इसको कॉल करना है, तो ये तभी इसी को कॉल करेगा। देखो अभी मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया और यहाँ पे जाऊँगा तो अभी ये क्लास जो है वो डिटेक्ट हो रहा है। यानी हमारा मेन जो अप्रोच था कि भाई हमें मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, मोबाइल में मेरी वेबसाइट कंफर्टेबल चलनी चाहिए, वो चल रही है, ये हमारा मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। ठीक है, अब नीचे का हम पोर्शन देखेंगे। यहाँ पे नीचे के पोर्शन में क्या है कि डेस्कटॉप में दो पार्ट हो रहे हैं और मोबाइल में एक एक पोर्शन हो जाना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ये भी पहले मोबाइल आना चाहिए, उसके नीचे ये पैराग्राफ आना चाहिए, ऐसा करना है हमें। ये तो कंप्लीट रन हो रहा है, स्लाइडर भी चल रहा है हमारा।
ठीक है, तो अब इसमें हम जाएंगे, यहाँ जाऊंगा मैं सब लाइन में, यहाँ पे मैं कॉलम जो 6 है इसको यहाँ से कट कर दूंगा, कंट्रोल एक्स, मोबाइल की जो मीडिया क्वेरी है उसमें जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में जाऊंगा यहाँ से रिफ्रेश। देखो कमाल, ये भी मेरा सेट हो गया, ये भी सेट है, ये भी सेट, जो मेरा पैराग्राफ ऊपर आ रहा था। अब जैसे ही मैं 7, 6, 8 से बाहर जाऊंगा तो तुरंत ये अपनी जो परफेक्ट जगह है वहाँ पे ये सेट हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे एक एरर आ रही है, छोटा छोटा छोटा, क्योंकि इसका इमेज जो है वो छोटा नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसको स्केलिंग करता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिव जब भी हम करते हैं तो रिस्पॉन्सिव के अंदर ऐसा रूल्स है कि जितने भी मेरे इमेज रहेंगे उसकी जो मैक्सिमम विथ रहेगी वो मैंने क्लास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज का क्लास है वो मैंने नहीं डाला, कि भाई इमेज टैग का यूज़ करके हम हमारे एचटीएमएल में, हमारे कोडिंग में अगर हम कहीं पे भी इमेज टैग का अगर यूज़ करते हैं तो इमेज जो भी हम डालेंगे उसकी मैक्सिमम जो विथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 100% ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। जैसे ही स्क्रीन 50% में होगा तो इमेज जो है ऑटोमेटिकली क्या होगी, स्ट्रेच होगी। ये वाला क्लास आपको पहले डाल देना है, ये रिस्पॉन्सिव में जितनी भी इमेजेस मेरी यूज़ हो रही है उसको ऑटोमेटिकली इसकी जो विथ है मैक्सिमम विथ वो किस में कर देगा, वो 100% में कर देगा। अभी आप यहाँ पे देखो, देखो इमेज क्या हो रहा है, मेरा छोटा हो रहा है। अभी ये क्लास में निकाल दूंगा इमेज, इमेज टैग वाला, तो यहाँ पे क्या होगा देखो आप, टेक्स्ट ऊपर आ गए तो आपको ये वाला जो क्लास है वो सबसे पहले बनाना है। एक्चुअल में मैंने जब एरर आई तभी ये बताया था कि आपको एग्जिट परफेक्ट पता चले। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो कंप्लीट चल रहा है मेरा, और जैसे ही मैं 7, 6, 8 में नीचे जाऊँगा देखो ये हमारा मोबाइल में भी परफेक्ट चल रहा है, ये भी परफेक्ट चल रहा है, हमारा मेनू भी, ये भी परफेक्ट चल रहा है, ये भी परफेक्ट चल रहा है, मेनू भी परफेक्ट चल रहा है। तो पूरी जो हमारी वेबसाइट है उसमें हमने सिर्फ दो ही चेंज किए हैं, दो मेरे ऐसे क्लास थे कॉलम, दो कॉलम ही मैंने सिर्फ यहाँ पे मीडिया क्वेरी में डाले हैं, एक कॉलम 4 और कॉलम 6, और जो हमारा आउटपुट है कुछ इस तरह से। तो सिर्फ आपको टेक्निक समझनी है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच क्या है, हमारा बैनर भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, हमारे सभी जितने भी काउंटर है वो भी परफेक्ट वर्क कर रहे हैं, हमारा फूटर भी परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। अभी और मैं इसकी मोबाइल की साइज़ छोटी करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया 320, तो इसमें हमारा मेनू आ रहा है कंप्लीट, ये भी हमारा कंप्लीट चल रहा है, कंटेनर मोबाइल का भी परफेक्ट चल रहा है, ये भी परफेक्ट चल रहा है। और ये हमारा यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है काउंटर में, और ये यहाँ पे, तो इसका मैं आपको अभी नेक्स्ट सेट करके दिखाता हूँ।